हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के हम वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा एंड न्यूजीलैंड विजिटर वीजा की बात करेंगे। दोनों को हम थोड़ा सा फोकस में रखेंगे, लेकिन ये बात रहेगी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कनाडा से आते हैं। जो कनाडा में स्टूडेंट है, अभी गए हैं या जाने वाले हैं, तो उनकी क्वेरी बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो में सबके आंसर दे दूंगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड को लेके पूछते हैं, कितने परसेंट सक्सेस रेशियो के चांसेस रह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को लेके भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी कनाडा में है या सेम आसपास के किसी कंट्री में, कोई यूएस में हो सकता है या यूके में भी हो सकता है, सब पे ये चीजें जो इंप्लीमेंट होगी। तो आज की वीडियो इस बारे में रहेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो डाउट होंगे इस वीडियो में ऑलरेडी आपको आंसर हो जाएंगे। सो अगर डिटेल में कोई क्वेश्चन पूछना होता तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर ऑन कॉल गाइडेंस चाहिए आपको तो नॉमिनल सी फीस है, वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप इंस्ट्रक्शन ले सकते हो। बेसिक क्वेश्चन है, कमेंट में पूछो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे बात करें तो कैनेडा से, क्योंकि पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई थी लेकिन क्वेश्चन जो है वो खत्म नहीं हो रहे, कुछ ऑडियंस नहीं आती है, तो उनको भी एड्रेस करना जरूरी है। सो बहुत से लोग हैं जो कैनेडा में पहुंच चुके हैं, स्टडी वीजा के ऊपर हैं, किसी का एक सेमेस्टर हो चुका है, किसी का ये सितंबर में गए हैं, अभी स्टडी स्टार्ट हुई है, लेकिन हर किसी का जो ज्यादातर मुझे क्वेश्चन आते हैं उसमें, क्योंकि तभी आते हैं जब किसी का प्लान हो, बहुत लोगों का प्लान है कि अब क्या हम न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया को लेके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड भी सेम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सेम ही बता दूंगा दोनों के लिए। तो जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। डज नॉट मैटर कि आप स्टूडेंट हैं कनाडा में या वर्क परमिट के ऊपर हैं, इस हिसाब से आपकी सक्सेस रेशो बढ़ेगी। सक्सेस रेशो पहले बता देता हूँ, अगर आप यूर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा तो आपकी जो सक्सेस रेशो है 60-70% के बीच में है। इफ यूर ऑन वर्क परमिट, अगर आप वर्क परमिट के ऊपर प्रॉपर जॉब कर रहे हो तो वो 70-80 के बीच में है। अगर आप PR हो तो 80-90 के बीच में आपकी सक्सेस रेशो जो है ऑस्ट्रेलिया वीजा की है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट भी हैं और न्यूजीलैंड की अगर बात करेंगे तो ये 10% चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं, विच मीन्स कि आपके जो, अगर आप कनाडा स्टूडेंट है और न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं तो आपके सक्सेस रेशियो जो 60-70 नहीं है, वो 70-80% के बीच में है। ये थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है कि न्यूजीलैंड का वीजा थोड़ा सा इजिली आ जाता है, थोड़ा सा लीनिएंट ही चलता है सिस्टम। एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन इतनी ज्यादा नहीं लग रही, क्योंकि कनाडा से न्यूजीलैंड किसी को खास प्रेफरेंस नहीं है। हाँ, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया प्रेफरेंस, हाँ जिनका ना आए, ऑस्ट्रेलिया का वीजा ना आया हो, उनके लिए एडवाइज है कि आप न्यूजीलैंड जरूर अटेम्प्ट करें, ताकि जब दोबारा आपने अप्लाई करना है तो एटलीस्ट आप दोनों कंट्री का प्लान लिख सकते हैं। क्योंकि ये चीजें मैंने देखी है, मैंने काफी एप्लीकेंट है जिनसे बात हुई, कुछ एप्लीकेंट का ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा रिफ्यूज था, क्योंकि कनाडा से ऑस्ट्रेलिया 100% तो है नहीं, तो रिफ्यूजल भी आती है। तो उस एप्लीकेंट का कनाडा रिफ्यूज था, उसने फिर न्यूजीलैंड का वीजा लिया, उसके बाद कनाडा से ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया कि मैं दोनों जगह घूमने जा रहा हूं, तो उसका ऑस्ट्रेलिया का वीजा आया भी। तो मतलब ऐसी चीजें भी होता है, लेकिन 100% नहीं है कि ऐसे आ जाएगा, लेकिन एक वे होता है कि बंदा एटलीस्ट इस अटेम्प्ट में भी, इस वे से भी अटेम्प्ट कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करने से पहले मैं बता दूं कि कोशिश करें, जो मैं गोल्डन एडवाइस दे रहा हूं, कोशिश करें कि आपका दोस्त है, भाई बहन है, कजन है, दूर का, पास का, वट एवर, आप अगर कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का वीजा, न्यूजीलैंड के लिए मैंने कहता ऑस्ट्रेलिया का वीजा, तो कोशिश करें आप सिर्फ इन्विटेशन पे ही अप्लाई करें, होटल को अवॉइड करें। क्योंकि बहुत सी सिचुएशन होती है जब होटल पे केसेस लगते हैं तो उसमें सक्सेस रेशो मैंने कम देखी है, लेकिन विजिटर वीजा अगर आप नॉर्मल इनविटेशन पे लगा रहे हैं तो उसमें सक्सेस रेशो अच्छी खासी है। दैट मींस कि बहुत ब्राइट चांसेस रहते हैं आपके अगर आप इनविटेशन के ऊपर, और सबसे ज्यादा ब्राइट चांसेस कब रहते हैं, जब आपका रियल ब्लड रिलेटिव, कोई बहन भाई रियल, वो अगर आपको इन्वाइट करो तो वो तो सबसे हाई एंड पे आप कहेंगे कि सक्सेस रेशियो आने की चांस है, क्योंकि आपकी फैमिली विजिट और फैमिली टाइज को लेके वो सिनेरियो को देखते हैं, जी हाँ जी ब्लड रिलेटिव है तो मिलने बंदा आता है, तो ये और ज्यादा हाई चांसेस जो है उसके होते हैं। तो सो कोशिश करें कि इन्विटेशन को प्रिपेयर करें। फिर आती है बात डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। देखिये, डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी इधर उधर के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। बहुत से लोग आपको कहेंगे जी इंडिया से पेरेंट्स से एफिडेविट बना के दे दो, आप पेरेंट्स की ITR मंगवा के दो, पेरेंट्स के फंड मंगवा के दो, वो भी ठीक है, उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ जिसपे वीजा आते हैं और बहुत लोगों के आए हैं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। अगर आप कैनेडा में है, सबसे पहले तो आपका स्टेटस जो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट है, अगर आप स्टूडेंट है तो वर्क कर रहे तो उनके लिए सीधे जॉब के डॉक्यूमेंट ही है, तो आपकी बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट है तो मेन टाइज पे आप फोकस करो कि आपका वापस आने का रीजन क्या है। वो आपकी पार्ट टाइम जॉब नहीं है, वो एक एड ऑन है, पार्ट टाइम जॉब नहीं भी करते तो भी लोगों के वीजा आते हैं। मेन आपका टाइज क्या, आप किस चीज के लिए कनाडा वापस आओगे, दैट इज योर स्टडी।
आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपका सारा फोकस उस चीज के ऊपर रहना चाहिए। ऑफिसर को जब कवरिंग लेटर भी बनाना है उसी पे कन्विंस करो भी मैंने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली है, इतनी ज्यादा पेरेंट्स की मनी स्पेंड की हुई है, तो मैं अपनी स्टडी के बीच में हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं वापस तो आऊंगा ना इसके लिए, बीच में तो मैं छह ही छोड़ूंगा। तो आपका स्टडी टाई है जिसके लिए वीजा देना है। मैं आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जहाँ तो आपको वीजा देगा, जहाँ जिनको वीजा नहीं दिया अपना लेटर रिफ्यूजल लेटर पढ़े, आपको एक ही रीजन मिला है, आपके स्टडी टाई इज नॉट सफिशियंट कि आप उसके लिए कनाडा वापस आओगे, विच मैं इसको मैं यूजलेस रीजन ही काउंट करता हूँ, क्योंकि जिनको वीजा दिया उनके भी सेम टाइज थे, इवन दो दोस्त सेम कॉलेज के, उनमें से एक को वीजा दे दिया दूसरे को, ये रीजन दे सकते हैं। तो जब वीजा नहीं देना तो ये रीजन उन्होंने लगाना ही लगाना है। सो स्टडी टाइज को प्रूव करने के लिए क्या चीजें होती है, जो आपकी स्टडी है उसके डॉक्यूमेंट, जिसमें आता है सबसे पहले तो पासपोर्ट विद वीजा, आपने जो ट्रेवल किया है उस पर वीजा लगा होगा, फिर आपको एयरपोर्ट पे एक स्टडी परमिट इशू हुआ होगा, जो आपको पेपर बेस्ड इशू होता ना, जो गए होंगे उनको पता होगा वो आपका साथ में, फिर आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक मिला होगा, एलओ जिसको बोल देते हैं, वो आपका हो गया, फिर उसके साथ कॉलेज में अगर एनरोलमेंट हुई है कोई और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, वो आप निकाल लो, कई जगह कॉलेज अपना आईडी कार्ड बना के देते हैं, अगर मिलता है तो वो ले लो, अगर कॉलेज आपको लीव लेटर दे सकता है तो वो आप ले सकते हो, या सेमेस्टर ऑफ की डिटेल आपकी ऑनलाइन है तो वो भी लगा लो। बहुत लोगों को लीव लेटर नहीं मिलता तो डोंट वरी, इसके बिना भी आप फाइल लगा सकते हो, प्लान आप बना सकते हो जब आपकी एक्चुअल में कॉलेज हॉलीडेज होती है, हमें पता है क्रिसमस पे होती है सबको होती है, तो उस दौरान भी आप चीजें लिख सकते हो कि मैं क्रिसमस हॉलीडे में जा रहा हूं। तो अगर आपका लीव का जो कोई ऐसा प्रूफ नहीं भी लगता तो कोई मैटर नहीं करता, आप लगा सकते हो, कोशिश करेंगे ट्रैवल प्लान क्रिसमस ईयर का भी जो लगा रहे हैं वो उस हिसाब से बनाए। फिर अगर आपने कोई फीस रिसिप्ट वगैरह है आपके पास, फीस पे की है वो, और अगर आपने स्टडी कर रहे हो, आपका एक सेमेस्टर पूरा हो चुका है, तो जो है वो लोग अपना जो है स्टडी का रिजल्ट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा कैची पॉइंट है, तभी लगाना अगर आपके जो ग्रेड है वो अच्छे हैं, अगर आप सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो ये वो है तो वो मत लगाना, वो आपके स्टडी टाइज को नेगेटिव करता है कि आप तो फेल हो रहे हो स्टडी में तो इसके लिए क्यों वापस आओगे, यहाँ आपकी स्टडी तो कर ही नहीं रहे, आपको तो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो अगर रिजल्ट अच्छा पॉजिटिव है तो आप उसको लगाओ, नहीं पॉजिटिव है तो उसको मत लगाओ। फिर ये हो गया आपके स्टडी को प्रूव करने वाले, इससे आपका सफिशियंट जो है स्टडी है कि आप कर रहे हो प्रूव हो जाता है, क्योंकि आप कंट्री में बैठे हो वीजा के ऊपर बैठे हो तो ठीक है, वैसे इस चीज पे ऑब्जेक्ट नहीं करती। हाँ, ग्रेड वगैरह को लेकर अगर है ऑप्शन तो आप लगा सकते हो। फिर आता है कि फाइनेंशियल की खर्चा भी पे करना कि कौन करेगा, उसमें अगर पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आप उसकी पे स्लिप होगी, जॉब कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी है आप लगा सकते हो। लेकिन आप जो मेरा सजेशन है, आपके पास जीआईसी भी पड़ा होगा आई नो, उसके बिना भी 5000 कैनेडियन डॉलर आप अपने कनाडा वाले अकाउंट में ही कर लो, तो आपको पेरेंट्स की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, वीजे लोगों के आए हैं। जी हाँ, पेरेंट्स के पास अगर फंड पड़े हैं नो डाउट, आप सिर्फ उनसे स्टेटमेंट ले सकते हो, कवरिंग में लिख सकते हो कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास भी फंड पड़े हैं तो मैं ऐसे फैमिली विजिट पे जा रहा हूं, तो खर्चा वगैरह उठाने के लिए तैयार है, तो एडिशनल उनके पास फंड पड़े ये उनके प्रूफ में लगा रहा हूं। जहाँ इन्विटेशन पे इसीलिए लगाने के लिए मैं कह रहा था, अगर आपका कुछ भी है तो वो बंदा कह सकता है जी मैं आपके लोकल एक्सपेंसेस जो है मैं पे करूंगा, तो अकोमोडेशन का आपके खर्चा नहीं आएगा, वो माइनस हो गया, तो आपको एक्चुअल में तो टिकट के फंड ही चाहिए, लोकल लोग एक्सपेंसिस चाहिए, वो इतने ज्यादा आने नहीं है, तो जो इन्वाइटर है वो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर रियल भाई बहन है तो वो तो अपनी स्टेटमेंट भी दे सकता है, ये देखो मेरे पास फंड पड़े, सारा खर्चा मैं उठाने वाली हूँ, जो मैं उठाने वाला हूँ, तो मेरा भाई आ रहा है, बहन आ रही है, तो कजन आ रहा है, तो सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ, तो भी ये भी चीजें चल जाती है। एडिशनल इंडिया से सपोर्ट जो है वो आप नॉर्मल तभी मंगाओ जब आपके पास कनाडा में नहीं है, तो अगर पेरेंट्स के पास है तो आप मंगा सकते हो, बाकी कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग कहते हैं पेरेंट्स की सी रिपोर्ट बना लेते हैं, पेरेंट्स के वैल्यूएशन करवा लेते हैं प्रॉपर्टी की। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, जब आप इंडिया में हो ना तो ये चीजें मैटर करेगी, क्योंकि आपने टाइस इंडिया से प्रूव करने हैं इंडिया में बैठे हो। जब आप कनाडा में बैठे हो ना तो आपने इंडिया के टाई नहीं प्रूव करने, आपने कनाडा के टाई प्रूव करने, जी मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया नहीं जा रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया से कनाडा वापस जाऊंगा, तो कनाडा में क्यों वापस जाऊंगा, ऑफिसर को वही चीजें चाहिए। तो ज्यादा जो फोकस है आपका इसी चीज के ऊपर रहना चाहिए। बहुत नॉमिनल डॉक्यूमेंट पे भी अगर देखो वीजा आना हुआ ना तो आपके स्टडी टाई के ऊपर ही आना है, बहुत नॉमिनल डॉक्यूमेंट पे भी वीजा आ जाना है, अदरवाइज अगर उन्होंने वीजा नहीं देना ना तो आप जितनी मर्जी सी रिपोर्ट लगा लो, जितनी मर्जी पेरेंट्स की आईटीआर लगा लो, पेरेंट्स के अकाउंट में 20 लाख 25 लाख जितने मर्जी फंड शो कर लो, उन्होंने आपको रिफ्यूजल में रीजन देना है तो एक ही देना है, योर स्टडी टाइ इज नॉट सफिशिएंट, जो आपको जो है मोटिवेट करेंगे वापस आने के लिए। तो यही हाल है, तो फिर फालतू की डॉक्यूमेंटेशन में जाने का भी कोई इशू नहीं, जिसके पास है आप एक्सपेंसिस कर सकते हो तो लगा लो, इसका चाहे कोई बेनिफिट ना हो नुकसान भी कोई नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है कि क्या
इंडिया बैठे पेरेंट्स को इतना काम देना चाहते हो, कईयों के पेरेंट्स बिजी होते हुए इतना काम नहीं कर सकते, कहाँ जाए सी रिपोर्ट बनाने, किसके पास जाए, तो उस चक्कर में सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट ले लो, सफिशिएंट है। प्राइम फोकस रखो खुद के प्रोफाइल के ऊपर कि आपको वीजा आपके प्रोफाइल के ऊपर मिलना है, पेरेंट्स के प्रोफाइल के ऊपर नहीं मिलना। और अपने फंड अगर आपके पास है तो पेरेंट्स के फंड लगाने का कोई ज्यादा जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। है पेरेंट्स के पास तो स्टेटमेंट ही है, ऑनलाइन मंगवा लो, उसको ऐड ऑन कर लो। बट वीजा में शायद वो ज्यादा रोल प्ले ना करे, बट स्टिल यू कैन जो है ऐड उसको कर सकती हो अपनी फाइल में। तो ये था अभी के लिए, सक्सेस रेट जो है कनाडा से ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है, वीजे आ रहे हैं। अगर इंडिया से कंपेरिजन करते हो तो अच्छा चल रहा है, मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अगर कनाडा में बैठे हो तो इंडिया से लगा रहे हो तो रिफ्यूजल ही है स्टूडेंट प्रोफाइल पे, कनाडा से लगा रहे हो तो आपका वीजा जो है अच्छे खासे आ रहे हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन, कितने टाइम के बाद अप्लाई करें? देखिए डिपेंड करता है बंदे की सिचुएशन के हिसाब से। मैंने जो वीजा है वो 6 महीने 7 महीने जो आए जिनको हो गए थे कनाडा में उनका रिफ्यूज होता भी दिखा है। मैंने 2 महीने पहले आए लोगों का वीजा भी लगता देखा है। मान लो कि क्योंकि अभी तो सितंबर का इंटेक तो स्टार्ट हुआ है, सितंबर वाला नहीं, जो जुलाई में कुछ इंटेक होते हैं जब मई वाले थे उन्होंने जब जुलाई में फाइल लगाई, जब उनके अगस्त में वीजा आए, इवन जिन्होंने जुलाई में स्टार्ट किया उन्होंने अगस्त में फाइल लाई तो उनके सितंबर में वीजा आए। तो मतलब 2-3 महीने के अंदर अंदर भी अगर किसी ने फाइल लगाई है तो वहां पे, हाँ ऐसे टाइम पे मैं होटल वालों को अवॉइड कहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा जो होटल वाला है ना अगर वो घूमने फिरने का प्लान लिखता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको क्या रीजन है इसमें, कि अगर आप अभी आए हो तो अभी आपने कनाडा नहीं घूमा तो कनाडा घूमने के लिए एक सेमेस्टर तो चाहिए कम से कम, फिर ही आप लिख सकते हो कि अब मैंने घूमना है। और लेकिन स्टिल वो छोड़ो सारा कुछ, इन्विटेशन के ऊपर ही लगाने की कोशिश करो। फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है वो इन्विटेशन पे सक्सेस रेट ज्यादा दे रहा है। तो होटल पे लगाना है तो पहले न्यूजीलैंड का वीजा ले लो, सिंपल सी एडवाइस है। अदरवाइज रिस्क लेना है तो होटल पे रिस्क लेना, कोई चॉइस नहीं बची और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप होटल पे अप्लाई करना, अदरवाइज चीज को अवॉइड करना। सो ये मैंने डिटेल में ही बता दिया जो कनाडा वाले लोग काफी क्वेश्चन पूछते हैं। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं टाइम निकाल के आपको आंसर दे दूंगा। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।